करें तो झारखंड में कुछ इम्पोर्टेंट सिनॉप्टिक सिचुएशन बना हुआ है, जिसके कारण झारखंड का जो वेदर है आने वाले दिनों में प्रभावित होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, एज ए ट्रफ इन वेस्टर्लीज है, उसका असर झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। बादलों का आगमन होगा, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, कुछ जगह पे हेलस्टॉर्म भी देखने को मिलेगा। उसके साथ ही एक और ट्रफ है, ट्रफ एक लो प्रेशर सिस्टम होता है, वो जो ट्रफ है वो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से लेके उड़ीसा तक एक्सटेंड कर रहा है, जिसका भी प्रभाव आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। इन दोनों सिस्टम की वजह से आने वाले दिनों में झारखंड में बात करें तो 16 और 17 तारीख दोनों दिन झारखंड के कुछ कुछ इलाकों में आपको ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, गर्जन और वज्रपात के साथ में बारिश देखने को मिल सकती है। बात किया जाए तो 16 तारीख को, तो 16 तारीख को सिर्फ दक्षिण पूर्व जो भाग है उनको छोड़ के लगभग सभी इलाकों में संभावना थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना, हेल की संभावना बनती है। जबकि जो 17 तारीख है, 17 तारीख को उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़ के बाकी भागों में ओलावृष्टि की संभावना बनती है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट्स देखने को मिलेंगे। और बात करें तो 18 और 19 में लगभग कई स्थानों पे आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स देखने को मिलेंगे, साथ साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि आने वाले 5 दिन आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में बारिश देखने को मिलेगी, और 16 और 17 में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी जाती है। अभी जो बादलों का जो समूह है झारखंड की तरफ आ रहा है, जिससे कुछ कुछ स्थानों पे ओलावृष्टि और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट देखने को मिलेंगे, तो लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो सतर्क रहें, और जब ओलावृष्टि या गर्जन या वज्रपात की संभावना दिखती है उस समय सुरक्षित स्थानों पे रहें, पेड़ के नीचे और पोल के नीचे, इलेक्ट्रिक पोलों के नीचे में ना जाएं, और सुरक्षित स्थानों पे वो रह सकते हैं। और साथ साथ में किसान भाइयों का है कि वो अपने फसलों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, अपने पशुधन का भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, साथ में जो उनके अगर जो क्रॉप्स हैं वो शारीरिक रूप से पक चुके हैं तो उनकी कटाई भी करके रख सकते हैं, और थोड़ा सा उपाय कुछ कर सकते हैं जिससे जो प्रभाव है, जो इस वेदर का जो प्रभाव है उनकी खेती पे कम पड़े। धन्यवाद।